नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबर, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा में भूमि पूजन का भव्य आयोजन। पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा में आवासीय भवन, पहुंच मार्ग एवं बाउंड्री वाल निर्माण कार्य हेतु भूमि पूजन का आयोजन माननीय कुलपति डॉक्टर सीता प्रसाद तिवारी जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। भूमि पूजन के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र शुक्ल माननीय विधायक रीवा एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन विशिष्ट अतिथि सीता प्रसाद तिवारी, माननीय कुलपति श्री मनोज पुष्प कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रीवा एवं राजेश पांडे अध्यक्ष गौ संवर्धन बोर्ड रीवा एवं कमलेश गौतम जी रहे एवं उनके गरिमामय उपस्थित में भूमि पूजन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के अधीक्षता डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा द्वारा की गई एवं विस्तार सेवाओं को किसानों तक पहुंचाने की महाविद्यालय की प्रतिबद्धता के बारे में अवगत कराया। माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी मुख्य अतिथि ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को देश की उद्यमिता बढ़ाने एवं जीडीपी में योगदान को प्रमुखता से भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने जिसमें किसानों की आय दुगनी करने पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि मनोज पुष्प ने ग्रामीण परिवेश में रह रहे पशुपालकों एवं दूरस्थ अंचल के किसानों के हित के लिए महाविद्यालय की विस्तार योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया एवं महाविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। श्री राजेश पांडे अध्यक्ष गौ संवर्धन बोर्ड रीवा ने महाविद्यालय को गौ संवर्धन के जनजीवन के उत्थान की महत्व के बारे में बताया। भूमि पूजन कार्यक्रम में महाविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारी हेतु 1 C-टाइप, 12 F-टाइप एवं 32 H-टाइप आवासी भवन, महाविद्यालय पहुंच मार्ग एवं प्रांगण की बाउंड्री वाल के निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया। साथ ही माननीय कुलपति श्री द्वारा निर्माण एजेंसी को निर्धारित समय के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देशित किया। कार्यक्रम के दौरान गौ पूजन एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें अतिथियों के साथ साथ महाविद्यालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं एवं महाविद्यालय के लोक जन सूचना अधिकारी डॉक्टर जी के मिश्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अर्पिता श्रीवास्तव एवं डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह द्वारा किया गया। चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड मिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी, MLA एंड फॉर्मर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन टुडे वी हैड अपॉर्चुनिटी टू हियर हिज इंस्पायरिंग थॉट्स। आई स्पेशल थैंक्स टू रिस्पेक्टेड मिस्टर मनोज पुष्प सर, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रीवा मध्य प्रदेश। ही लेफ्ट बिकॉज ऑफ हिज बिजी शेड्यूल टू अवर विश्वविद्यालय का कैंपस भी रीवा में बना रहे हैं। बहुत बड़ा लगभग 45 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, जिसमें जर्नलिज्म से लेकर और सारी चीजें, तो एक और एजुकेशन हब बन रहा है। दूसरी ओर जिस रास्ते पर चल के हम रीवा को विकास की ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, सिंचाई और पशुपालन और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसमें भी हमको मदद मिलना शुरू हो गई। मैं तिवारी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चार्ज संभालते ही रीवा के इस परिसर के डेवलपमेंट के लिए बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। जब मैं आता हूँ तो मुझे इसकी स्थापना से लेकर और अभी तक की पूरी जो यात्रा है वो मेरे नज़रों के सामने से फिल्म की तरह गुजरने लगती है। वो दिन बहुत ही उत्साह से भरा था जिस दिन वेटरनरी कॉलेज का स्थापना का पूजन यहाँ पर हो रहा था, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हम लोग रीवा को विकास की जिस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें यदि ही और पशु को कंबाइंड करके और यदि इकोनॉमी को विकसित करने का प्रयास करें तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन अपने आप में बहुत बड़ा आर्थिक क्रांति लाने का रास्ता होता है, और यदि इस दिशा में हमको आगे बढ़ना है तो पशु महाविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है।
एक बहुत ही आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ना होने से हम लोग कमी महसूस करते थे। लेकिन अच्छा सहयोग रहा कि इंद्र बाण सागर की नहरों का जाल बिछा, हरित क्रांति आई, धरती से दौलत पैदा होने लगी और वहीं दूसरी ओर पशु महाविद्यालय की स्थापना हो गई और यहाँ से भी हमारे पास इस प्रकार के बच्चों को वेटनरी की शिक्षा रीवा में प्राप्त होने का ये अवसर प्राप्त हो गया। अभी बीसी साहब बता रहे थे कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर 400-500 मैक्सिमम हमारे मेरे क्षेत्र के और अगल बगल के ही इलाके के हैं और पीजी सारे कोर्सेज जो हैं यहाँ पर शुरू हैं और खुशी की बात है कि यहीं पर पीजी करने के बाद बच्चे यहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर और सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर रहे हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में हम ये दावा कर सकते हैं यदि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, साइंस आर्ट और सारा है तो वेटनरी भी है। नहीं तो कभी कभी लगता था कि वेटनरी की पढ़ाई करने के लोगों को बाहर जाना पड़ता है और खुलने जा रहा है और बताएं इसके बारे में। देखिए विंध्य क्षेत्र का एकमात्र पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय है और हम ये चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र के और बुंदेलखंड दोनों क्षेत्र के जो लोग हैं ये पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय के माध्यम से लाभान्वित हो और जो हमारे पशुपालक हैं उनकी आय दुगनी हो और यही हमारा जो संकल्प है। और हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि हम गौ संवर्धन से संबंधित कार्य करें तो ये जो पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय है उसमें हम एक गौ संवर्धन केंद्र की स्थापना करने जा रहे हैं जिसमें देसी गौवंश की जो करेक्टराइज्ड ब्रीड है जिसको कनकत्ता के नाम से फेमस है उसका हम संवर्धन यहाँ करेंगे और संरक्षण भी करेंगे और सेलेक्टिव ब्रीडिंग के तहत उसको हम काफ़ी अच्छा एक उन्नत किस्म के ब्रीड के माध्यम के रूप में हम डेवलप करेंगे। इस महाविद्यालय में शैक्षणिक अनुसंधान और विस्तार सेवाएं काफ़ी अच्छी चल रही हैं और हम चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के और किसानों को किस तरह से हम मदद करें और जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं या यूथ है तो वो क्या है कि स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं और उनको नौकरी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम कहीं यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है तो उनको हम एक प्रशिक्षण दें और उस प्रशिक्षण के माध्यम से वो अपना रोजगार भी स्थापित करें। इसके साथ साथ और चूँकि तो हमें चाहते हैं कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुविधा बन जाए। ऑडिटोरियम के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक ऑडिटोरियम की स्थापना जल्दी से जल्दी इस परिसर में होगी और जिससे कि हमारे छात्र छात्राएं और यहाँ के जो भी शिक्षक गण है उसको पाकर लाभ। केंद्रीय पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय के लिए भी स्थापना के लिए हम सोच रहे हैं केंद्रीय पुस्तकालय होगी। दोनों से अपेक्षा यही करेंगे कि आज ही से काम शुरू हो जाए जिससे कि भूमि पूजन का मतलब निकले।